हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले बता दिए, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले की पहचान मैंने आपको बता दी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ब्रैकेट में दो चीज़ों का प्लस है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ब्रैकेट में दो चीज़ों का माइनस है। तो इन फॉर्मूलों को आगे बढ़ने के लिए हमने रिजल्ट दिए आपको, और इसे हम बोल रहे हैं, इन फॉर्मूलों को हम बोल रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये तो मैंने ए और बी लिखा, जैसे मैं ये लिख दूं साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स, या मैं यूं लिख दूं, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूं, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो इन दोनों में ही आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं साइन वाले केस में, देखें जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है, उसमें आप देख रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ब्रैकेट में दो चीज़ों का प्लस है, और ये जो आगे लिखा है मैंने रेड कलर में कॉस वाला, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट में दो चीज़ों का प्लस है। तो इन दोनों फार्मूला में हमें आगे बढ़ना आता है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, तो पहले वाले को मैं पढ़ूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी, उसमें ए की जगह पाई बाय फोर है और बी की जगह पाई बाय सिक्स है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, तो उसे मैं पढ़ूंगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए की जगह पाई और बी की जगह पाई बाय सिक्स है। दोनों में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आपको बेटे मालूम है, ये जो मैं बता रहा हूं, इस वाले में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ही लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है, इसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इवन आप यहां पे रिडक्शन भी लगा सकते हैं। क्योंकि रिडक्शन आप तब लगा सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही वो फॉर्मूला रिडक्शन फॉर्मूला से बन जाएगा, मतलब जब दो में से एक एंगल या तो पाई टू पाई या पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू हो। तो यहां एक एंगल पाई है, तो आप इसे रिडक्शन से भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किससे होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन से होगा। तो ये जो चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखा रखी है, इसका अब यूज होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि आप किस तरह से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। वो हमें कह रहा है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जो आपकी नॉन वैल्यू थी बेटे, वो 0 डिग्री, 0 के बाद सीधा 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपके 10th लेवल तक नॉन एंगल थे, 0 से लेके 90 तक। अब 0 और 30 के बीच में एक और एंगल 15 भी आपका नॉन होने वाला है। साइन 15 की वैल्यू भी इस क्वेश्चन के बाद आपको आ जाएगी, और याद भी कर लेना आप। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मुझे तो पता नहीं साइन 15 की वैल्यू, लेकिन साइन 15 डिग्री को, 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख दूँ, एतराज़ तो नहीं हो सकता। क्योंकि 15 को आप 45 माइनस 30 बोल सकते हो, 45 में से 30 जाएगा तो 15 होगा। और जैसे मैं यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वक्त। इस चीज़ को देखेंगे अगर आप, तो आप बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट में दो लोग हैं और वो माइनस से कनेक्ट हैं। और जब मैं कभी बोलूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट में दो लोग हैं, वो प्लस या माइनस से कनेक्ट हैं, तो मुझे दो तरह से सोचता हूँ मैं। या तो मेरे को लगता है या तो रिडक्शन फॉर्मूला लग सकता है या एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या यहाँ रिडक्शन लग सकता है? रिडक्शन इसलिए नहीं लग सकता यहाँ पे, क्योंकि रिडक्शन के लिए वो जो दो रिजल्ट हैं, दो एंगल हैं, उनमें से एक एंगल, चार ऑप्शन होती हैं। या तो क्या होना चाहिए, डिग्री की बात है तो क्या होना चाहिए, या तो 90 डिग्री होना चाहिए, या 270 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या 180 डिग्री होना चाहिए, या 360 डिग्री होना चाहिए। इनमें से कोई है? यहाँ तो एक 45 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, तो बात नहीं बनेगी। तो बात नहीं बनेगी, तो ज़्यादा क्यों सोचना है हमने? हम क्या लगा लेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये रिडक्शन से नहीं हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला, अब आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए। साइन ऑफ, ये आपकी नज़र में जो 45 है वो ए पढ़ा जाएगा, और जो 30 है वो बी पढ़ा जाएगा। और हमने आपको याद कराया था साइन ऑफ ए माइनस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
देखिए जब मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ तो मैं ए और बी लिख बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ए की जगह 45 है, तो जहाँ मैं बोल रहा हूँ साइन ए, ए की जगह 45 लिख रहा हूँ, कॉस बी, बी की जगह 30 लिख रहा हूँ, कॉस ए, ए की जगह 45 लिख रहा हूँ, साइन बी, बी की जगह 30 लिख रहा हूँ, और ये सारी वैल्यूज़ मुझे आती है। साइन 45 की वैल्यू हमें आती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हमें आती है 3/√2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू हमें आती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हमें आती है 1/2, ठीक है जी। और आपके पास ये आ गया 3/√2 माइनस 1/√2, 3/√2 लिख दिया, माइनस तो माइनस, और इसे लिख दिया 1/(1/√2, ठीक है। अब एलसीएम बोल लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल लीजिए, लेकिन आप देख रहे हो 3 के अपॉन में भी वही है, माइनस 1 के अपॉन में भी वही है, तो सीधा ही एलसीएम हो गया, और क्या एलसीएम हो गया 2√2, तो ऊपर जस्ट क्या लिख देंगे हम 3-1, तो क्या रिजल्ट आ गया 3-1/√2। तो इतना सॉल्व किया है इसने 3-1/√2। एलसीएम मैंने नहीं सिखाया है आपको, तो ये आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये रिजल्ट आया। फ्यूचर में अब आपको याद भी होना चाहिए कि साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 3-1/√2, याद भी होनी चाहिए। तो साइन 15 मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है, और साइन 15 का मैंने आपको आंसर भी बताया, और ये क्वेश्चन में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला। आपने कोशिश की होगी, सोचा होगा कि यहाँ क्या लग जाए, रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन नहीं लगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जब साइन 15 को मैंने सॉल्व करना था तो मैंने 15 को लिखा था 45-30। कोई बच्चा बोलता है सर 45-3 लिखा, 15 को आप 10+5 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, और 10+5 लिखता फिर भी फॉर्मूला क्या बनता, साइन ऑफ ये ए बन जाता और जो 5 है वो बी बन जाता, साइन ऑफ ए प्लस बी, फॉर्मूला से मैं लिख लेता आगे, मेरे को आता है साइन ऑफ ए प्लस बी। प्रॉब्लम, साइन ए साइन 10 बनता, लेकिन 10 मेरा नोन एंगल नहीं है, मुझे 10 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, साइन 10 की वैल्यू नहीं आती, साइन 5 की वैल्यू नहीं आती, कॉस 10 कॉस 5 की वैल्यू नहीं आती। मैंने 15 को 45-30 लिखने के पीछे वजह यह थी कि 45 और 30 मेरे नोन एंगल है, 45 और 30 मेरे नॉन एंगल है जिनकी मुझे वैल्यू आती है। ऐसा कोई इतराज नहीं है कि 15 को हमने 10+5 क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे, लेकिन उसकी वैल्यू 10 और 5 की वैल्यू मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने साइन 15 को किस तरह से लिखा ये क्लियर हो गया कि नहीं। अब मैंने साइन 15 करा दिया, मैं क्यों आपको कॉस 15 करूँ, अगर कॉस 15 आ जाता है तो आपको पता है कॉस 15 को आप क्या लिखोगे, 45-30, और कॉस 45-30 एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो लोग हैं, माइनस से कनेक्ट हैं, आपको याद आ रही होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला की। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की जब याद आती है तो कभी कभी उसमें रिडक्शन भी लग सकता है, पर क्या इस क्वेश्चन में रिडक्शन लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि रिडक्शन तब लगता जब इन दो एंगल में से एक एंगल या तो जीरो होता या थर्टी होता, सॉरी या तो एक एंगल 90 डिग्री होता या 270 डिग्री होता या 180 डिग्री होता या 360 डिग्री होता, नहीं है तो कोई बात नहीं, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए आपका 45 बन जाएगा और बी आपका 30 बन जाएगा, और कॉस ऑफ ए माइनस बी आपको आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसमें कॉस 45 और कॉस 30 और साइन 45 और साइन 30 की वैल्यूज यूज होंगी जो कि आपको आती है। तो अगर मैंने साइन 15 दिया, कॉस 15 अगर मैं ना करवाऊं तो कॉस 15 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने साइन 15 करके दिखाया आपको, मैंने कह सकता हूं कि कॉस 15 खुद कर लीजिएगा। हाँ, साइन 15 का आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, तो साइन 15 कॉस 15, कोई आपको कह दे यार टेन 15 की वैल्यू निकालो, मुश्किल ही कुछ नहीं है, अगर टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी, चलिए शायद ये क्वेश्चन आगे आ रहा है, उससे पहले जो क्वेश्चन है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, उससे नेक्स्ट हम बेटे आ रहा है साइन 75 डिग्री। अब वो हमें कह रहा है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 75, ठीक है, साइन 75 निकालना है तो 75 को हम 45+30 लिख सकते हैं, क्योंकि 45+30 जो है वो 75 होता है, लिखने को तो मैं 75 को 70+5 भी लिख सकता था, लेकिन 70 और 5 मेरे नॉन एंगल नहीं है, इसलिए 75 को मैंने 45+30 लिखा है। क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि ये मेरे नॉन एंगल है, ये मेरे
नॉन एंगल है। अब आगे अगर चलना होगा तो अब आपको इतनी पहचान तो हो गई है कि क्या नज़र आ रहा है भाई आपको, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट में दो लोग हैं प्लस से कनेक्ट हैं, और दो लोग क्या हैं, एक 45 और एक 30 है। मैं आपसे पूछूं अगर रिडक्शन फार्मूला लग सकता है, ऑब्वियसली आपका आंसर नो में होगा। रिडक्शन फार्मूला क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला अब आपने इतनी बार सुन लिया है कि रिडक्शन फार्मूला कब लगता है, जब इन दो एंगल में से 45 और 30 हैं यहाँ, इन दोनों में से कोई एक, चार ऑप्शन 90 डिग्री होता, 270 डिग्री होता, 180 डिग्री होता या 360 डिग्री होता, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किससे कर देंगे इसको, एडिशन सबट्रैक्शन से, और एडिशन सबट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, साइन ऑफ, ये आपका ए बन जाएगा और 30 आपका बी बन जाएगा। यू नो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री सबको आता होगा, 1/√2, कॉस 30 डिग्री आपको मालूम है, 3/2, कॉस 45 1/√2, और साइन 30 1/2, और आपके पास आंसर आ गया 3/√2 × 2, 2√2 प्लस 1 × 1, 1/√2, और आप देख रहे हैं नीचे दोनों 2√2 है तो LCM आ गया 2√2, तो ऊपर जस्ट क्या हो गया बेटे, 3+1/√2, और ये रिजल्ट बेटा जी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे साइन 15 मैंने आपको बोला याद कर लीजिए, तो पहले जो आपके 0, 30, 45, 60, 90 आपके स्टैंडर्ड एंगल थे, अब आपका 15 भी स्टैंडर्ड बन गया है। जैसे मैंने साइन 15 कराया था, आप कॉस 15 भी बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं, आप टैन 15 भी उसी तरह से कर सकते हैं। टैन 15 में क्या करोगे आप, 45 − 30, फॉर्मूला तुम्हें आता है, ठीक है। उसी तरह से अभी मैंने साइन 75 करवा दिया, 15 है तो 45 − 30 लिखते हो, और 75 होगा तो 45 + 30 लिखोगे। अब साइन 75 मैंने बता दिया, अगर कोई कल को आपको कह दे कॉस 75 निकालो, तो कॉस 75 में क्या करोगे आप, कॉस 45 + 30 कर दो, और कॉस 45 + 30 करोगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ऐसे ही टेन ऑफ 75 निकाल सकते हो, मतलब जिस तरह से साइन 75 निकला उसी तरह से कॉस और टैन भी निकाल सकते हो। बाकी मैं तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब टैन आपको पता चल जाता है तो कॉट पता चल जाता है, साइन पता चल जाता है तो कोसेकेंट पता चल जाता है, कॉस पता चल जाता है तो सीकेंट पता चल जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये चीज़। अच्छा इसमें जैसे मैंने ऐसे करके दिखाया, यहाँ पे एक और तरीका भी अपना सकते थे, ठीक है, लेकिन ये तो क्योंकि अभी हम एडिशन सबट्रैक्शन फॉर्मूला से ही करके दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट इसे यूं भी कर सकता, साइन 75 है वो ऐसे भी बोल सकता, सर 75 को 90 − 15 भी तो लिख सकते हैं हम, 90 − 15, पहले मैंने लिखा 45 + 30, क्यों, क्योंकि 45 और 30 मेरे नॉन एंगल हैं, और अब मैंने लिखा कोई ऐसे कर दे तो मैं गलत नहीं कर सकता, कोई 90 − 15 कर देगा, क्योंकि 19 और 15 भी मेरे नॉन एंगल है, 90 की भी वैल्यू मुझे आती है और 15 की अभी अभी मैंने सिखाई है, साइन 15 अभी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, साइन 15 की वैल्यू क्या आई थी, 3 − 1/√2, ये आई थी 3 − 1/√2, ये साइन 75 की है आई है, अभी मैंने रब नहीं की है, 3 + 1/√2, और 15 की थी 3 − 1/√2। अब जब आप यहां पहुंच गए साइन दिस वन, अब आपकी आपको आगे बढ़ना है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो चीज़ें हैं, एक 90 और एक 15 है, और बीच में माइनस लगा है, और जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ब्रैकेट में दो चीज़ें प्लस या माइनस से कनेक्ट हों तो आपको पता है एडिशन सबट्रैक्शन फार्मूला, और एडिशन सबट्रैक्शन में कभी कभी रिडक्शन भी बन जाता है, और इस केस में वो रिडक्शन बन सकता है, यस, क्योंकि उन दो में से अगर एक एंगल क्या हो 90 तो रिडक्शन की बात कर सकते हैं, और 90 के केस में आपको पता है साइन चेंज टू कॉस, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 15 बन जाएगा, क्या बन जाता है ये, कॉस 15, और 90 माइनस कौन सी क्वांटिटी होती है, फर्स्ट, और फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, और फिर कॉस 15 की आप वैल्यू निकालते हैं। आपको आप बोले जी कॉस 15 तो हमें नहीं आता, तभी मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया 75 को 45 + 30, लेकिन अगर आप कॉस 15 भी तो निकाल सकते हैं पहले,
कॉस 15 आपको निकालना था, जैसे साइन 15 निकाला वैसे कॉस 15 निकाल सकते हैं। तो कॉस 15 और कॉस 15 की वैल्यू आपको अगर आती है तो उसको लिख देते, ठीक है, क्लियर है। और अगर नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, कॉस 15 को लिख दीजिए आप 45 माइनस 30, और यहाँ लगा दीजिए फिर कौन सा फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी, जो कि आपको पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, आपको पता है यहाँ रिडक्शन नहीं लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, आपको जैसे मैंने बताया वैसे करिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको दो एंगल बता दिए हैं जी, साइन 15, अगर आपको साइन 15 आता है तो आप कॉस 15 भी निकाल सकते हैं, आप टेन 15 भी निकाल सकते हैं, साइन 75 कैसे निकालते हैं हम, 45 प्लस 30 करके, और 15 कैसे निकालते हैं हम, 45 माइनस 30 करके, हम 45 और 30 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी हमें वैल्यू आती है, ठीक है। तो अगर मैंने साइन 15 बताया है तो आप कॉस 15 टेन 15 निकाल सकते हैं, मैंने साइन 75 बताया आप कॉस 75 टेन 75 निकाल सकते हैं, और बाकी इनके जो तीन रेसिप्रोकल होते हैं सीकेंट को सीकेंट कॉट वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ टेन 15 डिग्री की बात कर रही है, किसकी बात हो रही है जी, टेन 15 डिग्री, इसे मैं बता देता हूँ आपको टेन 15 डिग्री, ठीक है। तो टेन 15 डिग्री अगर सॉल्व करना है तो वही कैसे बताया मैंने आपको, 45 माइनस 30, ओके 45 माइनस 30 टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है जी, टेन ऑफ ए माइनस बी। आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपने एक ट्रिग्नो देखा, ब्रैकेट देखी, ब्रैकेट में दो लोग देखे प्लस या माइनस से कनेक्ट हैं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सोचेंगे, लेकिन जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सोचेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना कि कई बार एडिशन सब्ट्रैक्शन से बच भी सकते हैं आप उस केस में, अगर वहाँ पे दो में से एक एंगल या तो 90 हो या 270 डिग्री हो या 180 हो या 360 डिग्री हो, या डिग्री है तो मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ, जहाँ रेडियन होता है मैं रेडियन में बात करता हूँ, पर ऐसा यहाँ नहीं है, तो आप टेन ऑफ ए माइनस बी से ही करेंगे, और टेन ऑफ ए माइनस बी से करेंगे तो क्या होता है जी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए, ए की जगह 45, टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन 45 सबको पता है 1 माइनस, अब आ गया जी टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगी 1 बाय रूट 3 ओवर 1 प्लस टेन 45 1 इंटू टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री होता है 1 ओवर रूट 3, हाँ जी क्या आ गया 1 माइनस 1 बाय रूट 3 ओवर, और नीचे भी क्या आ गया 1 प्लस 1 बाय रूट 3, ओके। अब मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर एलसीएम कर देता हूँ, तो क्या आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलते हैं ऊपर न्यूमिरेटर में अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, और नीचे जब करूँगा मैं काम वही चीज़ क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3, ओके भाई। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं रूट 3 से रूट 3 में कैंसिल कर सकता हूँ, रूट 3 से मैंने रूट 3 कैंसिल कर दिया, और जब बेटे रूट 3 से रूट 3 मैंने कैंसिल किया तो अब आपके पास जो बचा है वो मैं लिख रहा हूँ, और आप देख रहे हैं अब आपके पास क्या बचा हुआ है, न्यूमिरेटर में है अंडर रूट 3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 3 प्लस 1, ये बचा है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप प्रूविंग में जाएंगे या बुक्स में जाएंगे तो टेन 15 डिग्री का आंसर ये जो लिखा है मैंने ये नहीं है, थोड़ा और सॉल्व किया इसे, और सॉल्व में आपको पता है कि इरेशनल टाइप का रिजल्ट है, तो कई बार आपने किया होगा कि उसने अगले स्टेप में क्या कर दिया है, रैशनलाइजेशन कर दी है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 है तो अंडर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ऊपर बेटे अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या आ गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, मतलब इसे a समझ लीजिए और इसे b समझ लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab,
ए की जगह अंडर रूट थ्री, बी की जगह वन ओवर, और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर मैंने लिख दिया थ्री माइनस वन। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। और जब आप यहाँ पहुँच गए हैं तो अब देखिए क्या क्या आप और काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो आप देख रहे हैं बेटे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री इंटू वन टू रूट थ्री, और नीचे थ्री में से वन गया टू। नेक्स्ट स्टेप है बेटे थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री ओवर टू, ऊपर बेटे टू मैंने कॉमन कर दिया, और फोर और टू में टू कॉमन किया तो आपके पास क्या बचा टू माइनस रूट थ्री, और ओवर में क्या है टू, और बेटे टू से टू हमने कैंसिल कर दिया, और टू से टू रूट हमने कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर आ गया टू माइनस रूट थ्री। ये याद करना पड़ेगा कि टेन 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो टू माइनस रूट थ्री होती है। टेन 15 की जो वैल्यू होती है वो टू माइनस रूट थ्री रहती है। ये देख लीजिए टेन 15 की वैल्यू टू माइनस रूट थ्री हमने आपको बता दी। तो किस तरह से मैंने ये टेन 15 करा है, क्लियर हो गया जी, कोई डाउट इसमें? तो ये मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है अब कि अगर आपको बेटे जो पहले आपकी जो नॉलेज थी टेंथ लेवल से जो नॉलेज लेके आप आए थे, तो आप कहते थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, छः ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आपको 0 डिग्री, आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज़ आती थी। अगर मैं रेडियन में बात करूँ, 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन रेडियन में बात करूँ पाई बाय 6, अच्छा ये पहले लिख दिया, पाई बाय 3, पाई बाय 4 और पाई बाय 2, इनकी वैल्यूज़ आपको आती थी, ठीक है जी। और इसके बीच में एक और एंगल आपके पास आ गया, आप कौन 15 डिग्री और एक कौन 75 डिग्री। अब आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री भी निकालने आ गए हैं। तो जो आप पहले 30 के बाद सीधा 60 45 की बात करते थे, या 0 के बाद सीधा 30 की बात करते थे, 0 और 30 के बीच में 15 भी अब आपका नोन हो चुका है। जो आप 60 के बाद सीधा 90 की बात करते थे, अब 60 और 90 के बीच में 75 भी आपका नोन हो चुका है, ठीक है जी। और ये तो आपको पता ही है, अगर आपको साइन 15 आता है तो आपको मैंने तो शुरू में क्वेश्चन करवा भी रखे हैं, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आती है तो उसकी हेल्प से आप सारे निकाल सकते हो। अगर मैं आपको साइन 15 की वैल्यू बता दूं, जैसे साइन 15 मैंने निकाल के दिखाया, तो आप कॉस 15, टेन 15, सीकेंट को सीकेंट, कॉट 15 सारे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन करवाए हैं मैंने शुरू में जिसमें हमने कहा है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो उसकी हेल्प से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। ये यहाँ वैल्यूज लिख रखी हैं हमने कि साइन 15 की वैल्यू ये है, कॉस 15 की वैल्यू ये है, मतलब इसमें सारी लिखी हैं, तो जरा आप याद कर सके तो बहुत बेहतर है कि जो साइन 15 की वैल्यू होती है वो ही कॉस 75 की वैल्यू होती है। साइन 15 कॉस 75 दोनों ये आंसर देते हैं, कॉस 15 और साइन 75 दोनों का ये आंसर होता है, टेन 15 और कॉट 75 ये होता है, और कॉट 15 और टेन 75 ये होता है, मतलब साइन कॉस 10 के ऊपर मैंने 15 और 75 आपको सारे यहाँ लिख रखे हैं। सॉल्व मैंने दो तीन ही किए हैं, लेकिन ऐसे सारे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 13 पाई बाई 12। हमें वो कह रहा है कि आप टेन 13 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालिए, 13 पाई बाय 12 की वैल्यू निकालिए। जरा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा, अभी प्रीवियस लेक्चर में देखो मैं आपको सिखा रहा था, अब 13 पाई बाय 12 है, हालांकि मुझे ये एंगल पता है कि हमारी लिमिट से बाहर है, 90 से बड़ा एंगल है, ठीक है, 90 से बड़ा है ये एंगल, 90 से क्या, ये तो इवन 180 से भी बड़ा है, क्योंकि 13 बाय 12 है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 13 को 12 काटेगा, 13 बड़ा है 12 छोटा है, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू पाई, और पाई क्या होता है 180, 180 को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, एक से बड़ा, एक करता तो 180 होता है, एक से बड़ा कर रहा है तो 180 से बड़ा एंगल है ये, चलो छोड़ो इसको भी, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है। अच्छा मेरे को अगर आप इस वक्त बोलें, अगर पिछला लेक्चर आपने सुना है पढ़ा है और मैं आपको बोलूं 13 पाई बाय 6 निकालो, तो पिछला लेक्चर अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको अगर कोई बोले 13 पाई बाय 6 निकालो तो आप क्या बोलेंगे, सर 13 पाई बाय 6 में कुछ ऐसा है जो हमें आता है, कौन पाई बाय 6, और आप इसे फिर पाई बाय 6 लिखोगे, और वही सिखाया था मैंने माइनस पाई प्लस पाई, है ना, याद आ रहा होगा। मान लीजिए 13 पाई बाय 4 होता तो आप क्या कहते हैं, सर 13 पाई बाय 4 में हमारा नोन कौन है, पाई बाय 4,
फिर आपने टेन ब्रैकेट में पाई बाई फोर लिखना था, माइनस पाई नहीं तो प्लस पाई, माइनस टू पाई नहीं तो प्लस टू पाई, याद आ रहा होगा आपको। मान लीजिए थर्टीन पाई बाय टू होता तो आपने क्या करना था, सर थर्टीन पाई बाई टू में कोई ना कोई हमारा नोन है, और थर्टीन पाई बाई टू में आपका नोन कौन है, पाई बाई टू, ये नोन समझ रहे ना, पाई बाई सिक्स 30 डिग्री, पाई बाई फोर 45 डिग्री, पाई बाई टू 90 डिग्री। अगर ये पता हो तो आपको आगे बढ़ना आता है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता के आया हूँ, ठीक है, याद होगा आपको। लेकिन बेटे जो आज मैंने आपको एंगल दिया 13 पाई बाई 12, और 13 पाई बाई 12 में कोई मेरा नोन नहीं है, क्योंकि मेरे नोन कौन होते हैं, अगर रेडियन में बात करूं पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 6, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। पाई बाय 2 मेरा नोन है, पाई बाय 4 मेरा नोन है, पाई बाय 3 मेरा नोन है, पाई बाय 6 मेरा नोन है। और अगर ये हमें आते हैं तो मैं पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ कि इनके मल्टीपल भी मुझे सारे आते हैं, मल्टीपल मतलब इनको किसी से भी मल्टीप्लाई करो दो बशर्ते कटिंग ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 13 पाई बाय 12 में मेरा नोन कोई नहीं है, आप बोले जी पाई बाय 12 हमारा नोन है, पाई बाय 12 आपका देखो ये जो मैंने लिखे हैं इनमें तो पाई बाय 12 मैंने कहीं नहीं लिखा है, ठीक है जी। तो कैसे इसे सॉल्व करें, ठीक है, मान लीजिए 13 पाई बाय 12 की बजाय 13 पाई बाय 12 की बजाय मान लीजिए 13 पाई बाय 6 होता तो मैं क्या करता, तो 13 पाई बाय 6 होता तो मैंने आपको क्या बोलना था, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया 13 पाई बाय 6 में मेरा नोन कौन है, पाई बाय 6 ही नोन है, तो मैंने कैसे लिखना था, टेन ऑफ पाई बाय 6 अपना नोन लिख लेना था। फिर माइनस पाई से बात करनी थी, नहीं बननी थी, वो तो 5 पाई आता, प्लस पाई से बात करनी थी, नहीं बनता, कितना आता, 7 पाई आता। फिर माइनस 2 पाई से बात करनी थी, माइनस 2 पाई से बात करनी थी, 6 टू ज़ा 12 पाई, 12 पाई में से पाई गया 11 पाई बाय 6 नहीं बनता। फिर प्लस 2 पाई से बात करनी थी, बन गया 6 टू ज़ा 12 पाई और 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 6 बात बन गई। और जब मैं यहाँ पहुँच गया, हाँ यहाँ पहुँच गया, अब बताइए आपका दिमाग क्या बोलता है, आप बोलेंगे सर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ब्रैकेट में दो लोग हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो लगाओ कोई मना नहीं है, लेकिन उन दो में से एक एंगल 2 पाई है, और हमने कहा था उन दो में से एक एंगल पाई या 2 पाई या पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों लगाते हो, सीधा क्या लगा लो, रिडक्शन, और ये रिडक्शन से क्वेश्चन कर लेते, ये क्वेश्चन मैं करा के आया हूँ ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन 13 पाई बाय 6 होता, 13 पाई बाय 4 होता, 13 पाई बाय 2 होता, ठीक है ना, आप कर सकते थे, 13 पाई बाय 4 होता, 6 होता, 3 होता, कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो 13 पाई बाय 12 है, कैसे करें, आइए बेटे जरा एक मिनट के लिए तोड़ने का तरीका बताता हूँ, 313 इंटू 180 अपॉन 12 यही है ना, ये चेक कर लेते कि डिग्री में कितना एंगल है, और 12 और 180 कटते हैं, 12 वन ज़ा 12, 6 और 15, और 15 और 13 की मल्टीप्लाई, 15 और 13 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, 13 फाइव ज़ा 65, 5 ठीक है, 65 फाइव 6, 13 वन ज़ा 13 प्लस 6, 13 और 6 195। तो बेटे ये देखा जाए तो 13 पाई बाय 12 जो है ना वो 195 का एंगल है, 195 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है, एक हिंट ले लिया मैंने कि 195 डिग्री है ये, और 195 को मैं 180 प्लस 15 लिख सकता हूँ। अब हमारा 15 भी वैसे नोन हो चुका है आपको पता होगा, ठीक है, तो आइए जी अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 13 पाई बाय 12 है 195, और 195 को मैं 180 प्लस 15 लिख सकता हूँ, और 180 तो आपको पता ही है कितना होता है, पाई, क्योंकि यहाँ रेडियन में बात हो रही है ना, पाई में बात हो रही है, पाई, और 15 होता है पाई बाय 12, अरे पाई बाय 6 कितना होता है, 30 होता है, तो 15 बनाना होगा तो 30 को भी 2 से डिवाइड कर, दोनों सोसाइटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो वो पाई बाय 12 जो है 15 हो जाता है। तो 13 पाई बाय 12 को मैंने तोड़ा पाई प्लस पाई बाय 12 से, ठीक है, इतनी देर क्यों लगी मुझे ये समझाने में आपको, क्योंकि पहले तो मेरे पास एक नोन चीज़ होती थी, मेरा नोन एंगल होता था उसे लिखता था, या नोन नहीं था तो मैंने कैसे किया, 13 पाई बाय 12 को तोड़ा मैंने पाई प्लस पाई बाय 12 में, लिखा तो मैंने ठीक ही है, चेक कर लीजिए, पाई प्लस पाई बाय 12 एलसीएम करेंगे, 12 इंटू पाई, 12 पाई, 12 पाई प्लस पाई, 13 पाई बाय 12, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। अगला स्टेप, अब यहाँ के आगे बढ़ना है, ठीक है जी, यहाँ के आगे बढ़ना है। अब देखिए कोई भी स्टेप आपको नज़र आता है, समझ आपकी ये है, ये देखा, हाँ क्या नज़र आ रहा है भाई,
एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नजर आ रहा है, आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नजर, यस, ब्रैकेट नजर आ रही है, यस, उसमें दो लोग नजर आ रहे हैं, यस, प्लस से कनेक्ट है, ओके, किसकी याद आ रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला की। और जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला की याद आती है तो सोच लिया करो कभी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन से बच भी सकते हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा लंबा फार्मूला होता है, आपने ये देखा है, तो कभी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन से बच भी सकते हैं, लेकिन कब, हमेशा नहीं बच सकते, लेकिन कभी कभी बच सकते हैं। और कब बच सकते हैं, जब उन दो में से कोई एक क्या हो, या तो पाई हो या टू पाई हो, पाई बाई टू हो या थ्री पाई बाई टू, क्या है आपके पास, पाई है कि नहीं, बच सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से कर लो, पाई का केस है चेंज नहीं होगा, टेन पाई बाई ट्वेल्व का क्या रहेगा, टेन पाई बाय 12 रहेगा भाई, 10 पाई बाय 12 का क्या रहेगा, पाई बाय 12 रहेगा। और पाई प्लस, प्लस या माइनस, ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला लग रहा है ना, और पाई प्लस ये होता है पाई, पाई प्लस कौन सी क्वाड्रेंट, थर्ड, और थर्ड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लियर भाई, आगे आ जाइए, 10 पाई बाय 12 आ गया, कोई डाउट, पाई बाय 12 मतलब 15, और आप बताइए अभी थोड़ी देर पहले मैं 10 15 की आपको वैल्यू निकाल के दिखाया हूँ कि नहीं, पर चलिए मैं थोड़ा और बताता हूँ। अब आपको पता है पाई बाय 12 15 है, 10 पाई बाय 12 मतलब 15 की बात हो रही, 10 15 है, ठीक है। अब ये 15 लिखा होता ना, पाई बाय 12 की जगह 15 लिखा होता तो मैं कैसे लिखता, देखिए जी, 10 पाई बाय 12 और पाई बाय 12 का मतलब 15, और 15 होता तो मैं कैसे लिखता, 45 माइनस 30 ऐसे ही करके दिखाया थोड़ी देर पहले मैंने, ठीक है भाई, लेकिन 15 नहीं लिखा है भाई, पाई बाय 12 लिखा है, 15 है तो 45 माइनस 30 लिखते हैं, अगर पाई बाय 12 है तो कैसे लिखोगे यार, ओ पाई बाय 12 और 15 एक ही बात है, 15 को लिखते हो 45 माइनस 30, तो पाई बाय 12 को क्या लिखोगे रेडियन में, 45 की बजाय क्या लिखो, 45 रेडियन में कितना होता है, पाई बाय 4, और 45 माइनस 30, 30 रेडियन में कितना होता है, पाई बाय 6, चेक कर लो, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 12 हो है कि नहीं, गारंटेड होगा, अगर आप एलसीएम करके देखेंगे तो गारंटेड होगा, करके देख लीजिए, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, 6 4 जा 24, मैंने एलसीएम नहीं किया, डेट कर रहा हूँ, 4 6 जा 24, 6 इंटू पाई 6 पाई, और 6 4 जा 24 4 पाई, 6 पाई में से 4 पाई गया 2 पाई बाय 24, 2 से 24 कटा, बोलो पाई बाय 12, तो बेटे पाई बाय 12 को हम पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। क्लियर, अब मैं किस तरह से बता रहा हूं, ऐसे में आपको बोलता है पाई बाय 12 को मैंने पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिखा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा भाई ऐसे लिख सकते हैं, लिखा तो आपने सही है लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये आपने कैसे लिखा है। तो मैंने क्या चालाकी करी, पाई बाय 12 को डिग्री में देख लिया, पाई बाय 12 डिग्री में 15 है, तो 15 को डिग्री में कैसे लिख सकते थे, 45 माइनस 30, तो रेडियन में कैसे लिख सकते, 45 मतलब पाई बाय 4, 30 मतलब पाई बाय 6, समझे कि नहीं। और अब आपके पास, अगर इस वक्त जहां आप पहुंचे हो गौर करें अगर आप, फिर आपको क्या नजर आ रहा है बेटे, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ब्रैकेट में दो लोग, और ये क्या दो लोग नजर आ रहे हैं, एक पाई बाय 4 और एक पाई बाय 6, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ब्रैकेट में दो लोग माइनस से कनेक्ट हैं, किसकी याद आ रही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला की। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की याद आए तो कई बार एडिशन सब्ट्रैक्शन से बच भी सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से बचना हम इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा लंबा फार्मूला होता है वो, तो बच सकते हैं अगर उन दो में से कोई एक आपको पता है, पाई टू पाई, पाई बाय टू या थ्री पाई बाय टू है, यहाँ पे नहीं, ना तो पाई है ना टू पाई है, ना पाई बाय टू है ना थ्री पाई बाय टू है, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही लगाना पड़ेगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप लगा रहे हैं बेटा जी, तो आपको पता है टेन ऑफ, ये आपकी नज़र में ए होगा माइनस, और ये आपकी नज़र में बी होगा, और टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ए, ए की जगह पाई बाय 4 माइनस टेन बी, बी की जगह पाई बाय 6, टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए की जगह पाई बाय 4, टेन बी, बी की जगह पाई बाय 6, टेन पाई बाय 4 1 होता है माइनस टेन पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है बेटा 30 डिग्री, और ये होता है 1 बाय रूट 3, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करके आया हूँ, 1 प्लस टेन पाई बाय 4 1 इंटू टेन पाई बाय 6 1 बाय रूट 3। बस मैं एक दो स्टेप और करूँगा क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है थोड़ी देर पहले, टेन 30 का क्वेश्चन हो रहा है, टेन 13 पाई बाय 12 जो 195 था वो 195, अब जस्ट आपका क्या बन चुका है बेटे 195, 15 तो ट्रीट हो रहा है अब ये,
ऊपर किया एलसीएम तो क्या आ गया अंडर रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, और नीचे एलसीएम किया तो कितना आ गया अंडर रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री। अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस वन। आपको याद होगा यहाँ मैंने आंसर नहीं किया था, इसके आगे मैंने क्रॉस मल्टी रैशनलाइजेशन करके आंसर निकाला था, तो वही क्वेश्चन दोबारा से चल रहा है, इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो 13 पाई बाय 12 मैंने कैसे निकाला, क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने 13 पाई बाय 12 का भी आपको आंसर बता दिया, 2 माइनस रूट थ्री। इससे 13 पाई बाय 12 को अगर हम यूँ समझे, था क्या ये 13 पाई बाय 12 आपको जब मैंने सॉल्व किया तो ये 195 डिग्री का एंगल निकला। ठीक है बेटे, ये आपका ज़ीरो होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, 270 होता है, और मुड़ के आए तो कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो ये 195 डिग्री का एंगल था। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आपका 15 डिग्री एंगल होता है, यहाँ कहीं 15 होगा, मान लो ना ये 15 है, ये 15 डिग्री का एंगल है, और अगर मुझे 195 करना हो, अगर मुझे 195 का एंगल चाहिए हो तो मेरा 195 कैसे बनेगा, ज़रा देखते हैं। ये मैं ब्लू कलर में चला रहा हूँ अब गाड़ी, ठीक है, ये मैं चला ब्लू कलर में, ये कितना हो गया 180 हो गया अभी तक 180, और इसकी मैं बैक साइड ले लूँ तो 180, क्योंकि ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगा ना, 180 15, तो ये है 195 डिग्री का एंगल, ये एंगल हम पूछ रहे थे, तो बिल्कुल 15 के बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा है। ठीक है, और ऐसे भी याद रखना बेटे, देखो 2 पाई पे तो पीरियोडिसिटी होती है, लेकिन टैन की पीरियोडिसिटी पाई के बाद ही शुरू हो जाती है, टैन जो है वो पाई के बाद भी अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है, साइन और कॉस जो है वो 2 पाई के बाद करते हैं, साइन और कॉस 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, मतलब साइन का कोई अगर आपको एंगल आता है उस एंगल में, मैंने जैसे पहले भी पढ़ाया था आपको कि उसमें 2 पाई मतलब 360 ऐड या सबट्रैक्ट करें उसकी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि टैन में भी 2 पाई ऐड करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टैन में तो पाई 180 भी कर दें तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी आप ध्यान रखना, 2 पाई पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन टैन में तो 180 पे भी नहीं पड़ता, और साइन और कॉस में 180 पे पड़ सकता है लेकिन 360 पे नहीं पड़ेगा, मतलब 360 पे तो किसी को भी नहीं पड़ेगा, समझ लगी जी बात? तो वही चीज़ यहाँ भी निकल के आई है। ठीक है, तो ये मैंने 195 था, किस तरह से चीज़ बताई है ये आपने समझना था यहाँ पे, कि किस तरह से मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया है। तो 13 पाई बाय 12 195 था, 195 मतलब 180 प्लस 15, तो tan 15 का ही तो एंगल आया, ये tan 15 2 माइनस रूट 3 था, और 195 भी देखो 2 माइनस रूट 3 ही यहाँ पे आ रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।